बैसाख के महीने में एक पकवान बनता है शंकर जी का, शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, शिव जी के तीन नेत्र हैं, बेलपत्री में भी तीन बोलते जाओ पत्ती है। बैसाख के महीने में जो शंकर भगवान को प्रसाद का भोग लगता है उसमें भी तीन ही चीज मिलती है, सत्तू। कोई दूसरे महीने में बनता है जम के तो बोलो, नहीं कब बनता है? यही बैसाख के महीने में चने की दाल, गेहूं और जौ, इन तीनों को गलाकर सेक कर जो सत्तू तैयार होता है, इसी बैसाख के महीने में परशुराम जयंती के दिन या अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। दुनिया के लोग कहते क्या होता है सत्तू से? सास अपनी बहू से कहती है बेटा सत्तू बना ले, थोड़ा सा सत्तू बाजार से ले आना, 10 रुपए का खरीद कर ले आना, आज सत्तू है, आज अपन पूजन करेंगे सत्तू की, अक्षय तृतीया है, थोड़ा सा पूज देंगे, थोड़ा सा भगवान को भोग लगा देंगे, सत्तू का लड्डू बना लेंगे। बोलो री जी जी, सही है कि गलत है? बाजार में भी सत्तू मिलता है तो बच्चे कहते हैं, बहुएं कहती हैं, कौन खाएगा, काय को ला रहे हो, सत्तू का क्या काम है? परशु महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, जिस समय पर बैसाख के महीने की सुंदर अमावस्या का दिन था, उस दिन माता पार्वती शंकर भगवान के लिए जब पकवान बनाने के लिए बैठी, कुछ नहीं मिला, तब माता पार्वती ने तीन अनाज को लिया, एक चना, दूसरा गेहूं और तीसरा जो इन तीनों को भींग रहे थे, उसको लेकर आए गंगा जी में से, उसको सेक कर माता ने अंगीठी पर, और उसका जो सत्तू बनाकर शिव को दिया। शंकर भगवान ने कह दिया, सुन पार्वती, ये सत्तू नहीं, ये मेरी औषधि है। बैसाख के महीने में जो खाएगा वो जिंदगी भर रोएगा नहीं, शरीर से स्वस्थ। अब उसको लोगों ने हंसी खेल में ले लिया, सत्तू का क्या काम, मम्मी हम नहीं खाएंगे, बड़ा बुरा। शिव जी का एक एक चीज, बैसाख के महीने में पियो बेल, बेल मतलब समझ गए, बेल का रस। बैसाख के महीने में पियो बेल और शरीर को रखो ऑल इज वेल। शरीर बेकार नहीं हो, शरीर बेकार नहीं हो, अब शिव आराधना तो करो। हाँ, जिंदगी की मोड़ पर शंकर परीक्षा बहुत लेते हैं, बहुत परीक्षा। एक सुंदर संवाद आता है स्कंद पुराण, शायद आप लोगों ने सुना होगा, सुना हो तो भी सुन लो, नहीं सुना हो तो भी सुन लो। कांति नगर में राजा श्रियाजी रहते थे, उनकी धर्मपत्नी का नाम था चांगुणा। क्या नाम है उनका? चांगुणा। चांगुणा शिव भक्ति में लीन रहती थी, उसे शंकर की भक्ति के सिवा कुछ सुहाता ही नहीं था। शिव आराधना के सिवा उसको कुछ भाता ही नहीं था। दिन भर शंकर की शरणागति करना, शिव का स्मरण करना, शिव भक्ति में डूबे रहना। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन।
वैशाख के महीने में एक पकवान बनता है शंकर जी का। शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, शिव जी के तीन नेत्र हैं।